गाइस तो वेलकम बैक हो गए न्यू वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का और आपका भाई अभी उठ के अभी सुबह के तकरीबन 6:10 लग रहे हैं दौड़ में। अभी जल्दी से वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर जब कॉलेज के कपड़े पहनूंगा फिर आप लोगों से मिलते हैं। भाई लोग आपका भाई पूरा तैयार हो गया, बस मुंह भी धो लिया और कपड़े छपड़े सारे पहन लिए, माल भी पाड़ लिया। अब जाता हूँ नीचे, जल्दी से नाश्ता करता हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा सा लाइटिंग में इशू हो रहा होगा, असल में लाइट चली हुई है, वैसे एक लाइट लगी हुई तो लाइटिंग थोड़ी कम हो रही है ना। तो बस चलते हैं, मैं भाई नाश्ता करके फिर हम ले जाऊँगा इम्तियाज के सामने मेरा दोस्त आएगा तो उससे मिलूँगा और उसके साथ ही फिर मैं कॉलेज जाऊँगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से इम्तियाज पहुँच के। भाई लोग अभी हम पहुंच गए इम्तियाज और मेरा साथ मेरा दोस्त ये रहा बुराक भाई और वो रहा सामने इम्तियाज। हाँ तो बुराक खान कैसा लगा भाई काम के बाद? बस बड़े टाइम बाद बड़ी अमेजिंग फील आ रही है यार। अभी हम मतलब जा रहे हैं, अब देखो आज क्या बनता है। तो पहला ये चलते हैं हदफ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे हदफ, अगर उन्होंने अंदर अलाउड किया तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। यार अभी हम लोग ब्रेक हो गई हमारी और हमारे साथ रजा भाई भी है। रजा भाई क्या हाल है? अरे ये मेडिकल में चले गए, सारे अलग अलग हो गए यार। और क्या हाल, आज के दिन कैसा रहा? मौसम कर लिया भाई स्टार्ट, मैंने घर से करके आया हूँ। घर से हाँ भाई, ये कॉलेज अंदर नहीं है, अंदर मैंने बैग इसलिए बनाई थी क्योंकि वो उसका अलाउड नहीं है। बड़ा सेक्सी लगा है ना, वीडियो बन गए आ जाते हैं और आ जाते हैं। हां तो भाई लोग यार मैं घर आ चुका हूं, बाकी आपका भाई फुलन से जिस तरह बचा है ना यार। मैं क्या हुआ, मैं जैसे निकला हूं ना उस कॉलेज से और एचबीके के सामने एडवर्ड्स के लड़के थे, हमारे कॉलेज हदफ कॉलेज के लड़के थे और आई थिंक इस्लामिया के लड़के थे ना। मैं जैसे मतलब एचबीके के साथ आए ना, 5-6 लड़के आए डंडे लेके रोड पे, उन्होंने इशारा किया मुझे रुकने का, मैं रुका ही नहीं, मैं साइड से निकल गया। साइड से निकला, उन्होंने पीछे करोला निकाली है मेरे पीछे करोला निकाली है दस यूटर्न। तो मैं जैसे यूटर्न से मुड़ा हूँ ना, वो करोला वाला आगे निकल गया, वो यूँ इशारे कर रहा था, बस यार बचत हो गई है। बहरहाल अगर मैं आप लोगों को अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊँ ना कॉलेज का, तो यार कॉलेज पहले दिन से आपको फील होने शुरू हो जाते कॉलेज पढ़ाई के लिहाज से कैसे। तो मैं अगर आप लोग कहना चाहते ना तो यार इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि यार कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, मतलब वो आपके साथ बहुत करते हैं और वो मतलब अच्छे टीचर्स हैं। मतलब पढ़ाई लायक हम पहले दिन पे गए ना तो उन्होंने हमें साहब मतलब समझाया कि आपके टेस्ट भी होंगे, आप लोगों को फंक्शंस भी दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग कहते हैं ना कि यार पढ़ाई वाले कॉलेज में, तो यार अभी तो मेरा पहला दिन था, मैं अपना से पहले दिन के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, फिर भी आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगा कॉलेज कैसा है। लेकिन फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कॉलेज पढ़ाई के लिहाज से भी बहुत अच्छा था और मतलब आप लोगों का वाशरूम जितनी भी चीज़ें थी, मतलब उसका ग्राउंड वगैरह और डिसिप्लिन सब बहुत अच्छा था कॉलेज का। और टीचर्स तो बहुत ही अच्छे थे ना मेरा, हमारे मतलब आज कुछ क्लासेस मेरी दो हुई हैं, फिज़िक्स की जिस तरह दो हुई है, कंप्यूटर की दो हुई हैं। तो मेरा बड़ा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज में। तो फिर इंशाल्लाह जो वक्त गुजरेगा तो मैं आप लोगों को भी साथ साथ बताता रहूँगा और भी कॉलेज के बारे में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएँ ताकि कोई भी नई वीडियो है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।